हाथरस में हुई दलित बेटी के साथ हैवानियत की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आलम यह है कि देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में निर्भया कांड दोबारा दोहराया गया, जिसको लेकर अन्य समाजों में भी भारी आक्रोश है। दरअसल आपको बता दें कि हाथरस में गैंगरेप की शिकार दलित समाज की बेटी सफदरगंज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, जिसने इलाज के दौरान कल इस बेटी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद देश भर में दलित समाज की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हर समाज एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहा है और बेटियों के इंसाफ के लिए चारों गैंगरेप के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहा है। वहीं दिल्ली के बाद हाथरस में निर्भया कांड देखने को मिला, जहां लोगों में एक बार फिर भारी आक्रोश के साथ सड़कों पर उतरते देखा गया। कानपुर देहात में आज वाल्मीकि समाज के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार और कानून व्यवस्था का धरना प्रदर्शन कर विरोध किया और जल्द ही बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो बंद करने की चेतावनी दी। हाथरस की जो हमारी बहन मनीषा के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, वो अपराधियों ने उस बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का काम किया और उसके बाद उसकी हत्या करने का काम किया, उसी के लिए उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आज हम अपने साथियों के साथ इस पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति के नीचे उस मृत आत्मा के न्याय दिलाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।